हम जो स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो रहेगा रियल इस्टेट सेक्टर से। जैसे हमें जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडिया बुल रियल इस्टेट। पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से इसमें डिलीवरी एक्शन, जिस तरीके से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, हमें लगता है कि अब आगे आने वाले महीनों में इंडिया बुल रियल इस्टेट काफ़ी अच्छा अपमूव यहाँ से दिखाता हुआ दिखना चाहिए। तो ये स्टॉक को कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर कोई डिप मिलती है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 161 से लेके 130 ये एक बाइंग रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे। करंट लेवल से 110 के आसपास के स्टॉप लॉस इस स्टॉक को बाय करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। 110 का आप स्टॉप लॉस रखें, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे आप ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, ये स्टॉक में 250 से 300 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो इंडिया बुल रियल इस्टेट हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे इस दिवाली।